कब सितारा है आप भी हम भी, बेसहारा हैं आप भी हम भी, आमदन बढ़ गई मगर लेकिन बस गुजारा है आप भी हम भी, महंगाई है सितम डा रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखते आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आसिफ भाई मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, जब से हमारा ये चैनल HD हुआ ना, तो मजे आ गए हैं, और देखते हैं एक दूसरे को तो बड़ा अच्छा लगता है ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब से चैनल HD हुआ है ठाकुर साहब, आपकी जो नाक है ना वो मजीद नोकीली दिखाई दे रही है। यानी उन्होंने HD की मशीनरी मेरे नाक पे लगाई। भाई आपकी जो टिंट है ना उससे मजीद लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में चुभना। कैसे पिया आपका HD में मुंह ऐसा लगता है जैसे आटे की बोरी में मल के आ। माशाल्लाह HD जी, मम्मी तानू वेखिया ताड़े भी इफ्तिखार ठाकर वर की शक्ल हो गई। तो सर ये जो HD हो गया है तो हमें HD जुगतें करनी पड़ेंगी। सूलन तो आपको करनी चाहिए। सूलन करनी चाहिए लेकिन नसीब आज नहीं होना। लेकिन सर हमें भी अपडेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऑफ कोर्स, हाई डेफिनेशन जुगते करें आप। अकरम भाई तेरे रेडियो ते जा रहे हैं ना हुन। हां सीख ले काम रेडियो दा, खोल के दोबारा फिट कर लेंगे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मिनिस्टर हैं फॉर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब, जनाब सरदार शहाबुद्दीन खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा इजा मलिक। वेलकम टू द शो जी, इज़ा मलिक जी आई हैं, हम आपके फैन हैं जी, और बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ भाईजान के लिए। मुझे पता था आप ये बोलेंगे। शहाबुद्दीन गौरी गुजरे वक्तों के शहंशाह थे, मगर ठाकुर हमारे वक्त के जो ये शहाबुद्दीन साहब हैं मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर भी कई शोबों के हैं। बुजुर्गी इनके बालों से झलकती है, मगर जो नौजवानी है पिया जी इनके सीने में धड़कती है। क्या लाई जांदे ने छिल भरावा, फीस दियां के बिल भरावा, लाई जांदे ने छिल भरावा, फीस दियां के बिल भरावा, एक टाइम दी मुश्किल लभदी, एक टाइम दी मुश्किल लभदी, ला के सारे टिल भरावा। प्यार की आग पलकों से सेक लेता हूँ, उसकी आंखें पढ़कर दिल के भेद लेता हूँ, मुझे मोहब्बत से नफरत हो गई है वासे वासे, अब मैं TV पे मोटू पतलू कार्टून देख लेता हूँ। जी शाहबुद्दीन साहब क्या हालचाल हैं? अल्लाह ताला की मेहरबानी, वासे भी आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह ताला की मिनिस्ट्री कैसी चल रही है नई वाली? ठीक चल रही है, अभी तो एक माह हुआ है। तो लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट आपके पास है, ये कैसा रहा है तजर्बा? देखिए बहुत अच्छा रहा है, मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। वासे भाई आते ही मुझे लंपी मिली है तोहफे में। ये लंपी डिजीज है जस्ट कोरोना जो एनिमल में होती है, तो उस पर काम इंशाल्लाह हो रहा है कि वैक्सीन भी बनाना शुरू कर दिया हमने और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन 15 डेज इम्पोर्ट हो जाएगी। वैसे शाहब साहब ये भी एक बड़ा मसला है, ये लाइफ स्टॉक के अंदर तो बहुत होता है ये बीमारियों का जो इशू है, इधर हम इंसान भी बीमारियों से बच रहे हैं, उधर जानवर बेचारे ही बच रहे हैं, खैर वो तो हमसे पहले के इस मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन ये कुछ अजीब सा नहीं लगता कि अब अपने आप को वैक्सीन लगवाओ, जानवर के लिए वैक्सीन अरेंज कराओ, वैक्सीन वैक्सीन हो गया सारा काम? नहीं वैसे भाई देखिए ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है ये लंपी स्किन, अदरवाइज़ ये 1926 से पहले ये साउथ अफ्रीका में आई, फिर यूरोप में आई, अभी भी इस वक्त इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ये उधर भी आई हुई है।
ये जस्ट लाइक कोरोना है, ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, इस वजह से हमारी मकदार थोड़ी बना रही है पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर वैसे पिछली हफ्ते भी वड्डी ते बड़ा रफड़ पे आ रहा कि जानवर ना खरीदना तो बड़ा मसला है, बीमारी निकल आई है। कैसर को शायद पता हो ना हो, ये गोश्त खाण नाल ते दूध पीण नाल कुछ नहीं होता इंसान नु। अच्छा सर, खादा पीता होए ते फिर यार जिंदू खाने मंग के खाने, जेडे नगद पींदे ने उनां दा हाल वेखो की हो गया। इजा जी आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे? आपने शो देखा ही हुआ होगा। बिल्कुल देखा हुआ है, मेरा फेवरेट शो है। आपने... आपका फेवरेट है, नहीं तो जो भी लड़की आती कहते मेरे अम्मी अबू देखते हैं। मगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? जी बिल्कुल। और एक्टिंग और इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक है आपस में? असल में मेरा बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा था ध्यान, लेकिन एक्टिंग का भी शौक था, तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। दोनों चीजों को किया जा सकता है, किसको, एक्टिंग को या बिजनेस? दोनों चीज। और बिजनेस क्या करना चाहती हैं? बिजनेस कोई भी अभी मैंने कोई सोचा नहीं है कि क्या करना है। कोई पैशन हो, कोई हॉबी आपको पसंद हो, कोई चीज आपके ज़हन में आता हो? डिजाइनिंग वगैरह, डिजाइनर। डिजाइनिंग आपने क्यों ना पढ़ी? बस नहीं, वो नहीं पढ़ी, मुश्किल सी थी। मुश्किल इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा मुश्किल। अगर बिजनेस ही करना तो सरदार साहब दी जमीन भाई वाली कर लो, ये भी अच्छा आइडिया है। आपने वैसे कभी खेती बाड़ी होते देखी है? बिल्कुल देखी हुई है। देखी हुई है, गांव है आपका कोई पीछे से जहाँ आप जाती हैं? कश्मीर। तो खूबसूरत मंजर होंगे बड़े खेती बाड़ी के भी। हाँ, बहुत खूबसूरत। अच्छा, तो आप वहाँ पे जाती रहती हैं? जी। ये देखे बड़ी एक डाइवर्सिफाइड किस्म की पैशन भी डाइवर्सिफाइड है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और शौक से पढ़ी हुई है। तो एक्टिंग का आपको शौक है? जी बहुत। और आपने इस वाले शौक को पर्सू किया है आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? बिल्कुल। और ये कब तक पर्सू करना चाहती हैं? अभी तो है, करना है थोड़ा, लेकिन उसके बाद थोड़ा गैप देना पड़ेगा क्योंकि मैंने मास्टर्स भी करना है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ही करना है? जी बिल्कुल। ये तो आपकी तो फिर इकॉनमी में बहुत नजर होगी। हाँ है। तो क्या मसाइल हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, जरा बताए ना सरदार साहब को भी, क्या करना चाहिए? मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे इनके पैदा किए हुए नहीं, इनके तो पैदा किए हुए नहीं है, अब क्या इन पे इतना बोझ। अच्छा, इनके पैदा किए हुए नहीं है, ये किसके पैदा किए हुए हैं? अब मैं सबको ही पता है शिंदे, मगर ये बताएं कि किसने किया ये सारा कुछ, ये मसाइल किसने खड़े किए? पीटीआई ने नहीं किए, बाकी मुझे नहीं पता। पीटीआई ने नहीं किए तो बाकी आप रह कौन गया पीछे? बस जो रह गया है वो आपको पता है। कौन? एमकेएम ने किए? नून लीग। नून लीग ने? तो ये नून लीग के खड़े किए हुए मसाइल हैं, और कोई हल है आपके पास इससे बचने का? खुद भी उनसे काम नहीं होता और किसी दूसरे को भी करने नहीं देते। सुधार साहब, खुद भी उनसे काम नहीं होता और किसी को करने भी नहीं देते। पब्लिक की आवाज भी सुन ली है आपने? बिल्कुल। ये पब्लिक तो और ये पब्लिक ये देखिए, और पब्लिक ये भी साथ बता रही है, ये जो मसाइल थे ये आप लोग खड़े किए हुए नहीं थे? नहीं थे। ये नून लीग के ये तो मसाइल ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में उसमें भी रोक दिया गया। नहीं, आए, 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 इनको ऐसे क्यों रोक दिया गया? नो बाल करा रहे थे खान साहब। क्योंकि बस वो मुल्क से प्यार नहीं करते थे, आई थिंक इसलिए। खान साहब को रोका, यानी कि मुल्क से प्यार नहीं करते थे? खान साहब तो करते हैं मुल्क से प्यार, जिन्होंने रोका उनको वो नहीं करते थे? वो नहीं करते थे, वो सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। अच्छा, सेल्फिश है। और इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए खान साहब को रोक दिया? हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है कि खान साहब को वो जो ये सारे खुद वाले हैं ये वापस आने देंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह किसने बोला? इंशाल्लाह सर, आने देंगे ना। हमारे खान साहब जिंदाबाद हैं। जी जी, मेरा हमारे दिल में रहते हैं इमरान खान साहब। जहन में कौन रहता है? जहन में मियां नवाज़ी साहब जी। वैसे आप वोट वगैरह कास्ट आई एम श्योर करते ही होंगे? मैंने आज से पहले नहीं किया। अच्छा, और अब आपने जब अगर करने दे दें तो करूंगी इंशाल्लाह। करने देते क्या मतलब, इलेक्शन आएंगे तो करेंगे? नहीं, अभी करने नहीं दे रहे, रोके हुए हैं। लेकिन ओए रोके हुए इन्होंने, कब तक रोकेंगे अगर ये लोग इलेक्शन? नहीं, ज्यादा नहीं रोक सकेंगे, है ना, ज्यादा नहीं रोक सकेंगे कभी। वैसे आप गई हैं धरने भरने के अंदर, कोई जलसा हो, कोई अटेंड किया हो पीटीए का? अच्छा, किया हुआ है आपने? बिल्कुल, इस्लामाबाद में मैंने किया। इस्लामाबाद में किया है सरदार साहब, ये तो आपकी फुल ऑन सपोर्टर साथ बैठी हुई हैं। सिर्फ मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट टाइम हम असेंबली में लेकर आना चाहेंगे इनको। ओए होए 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 होए, ये देखे ऐसा आपको साथ ही ऑफर मिल गया है। इन्हां नु तुसी असेंबली ले जा रहे जे, सानू नहीं कभी कहा कि कैसर तैनू भी स्पीकर लवा देना? कैसर, मुझे जो लग रहा है ना जी सरदार साहब, कि खान साहब के जो रूट्स हैं वो हर जगह पे इतने जा चुके हैं, यंगस्टर में, जैसे यंगस्टर की बात करते हैं खान साहब, वैसे भाई देखिए मैं तो इनसे मिला भी नहीं हूँ और ना ही अभी जस्ट आया हूँ, तो आपने खुद सुन लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ी है लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और खान साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा, वो काम करना चाहते हैं। ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे यंगस्टर के लिए, नौजवानों के लिए,
ये तो है एक चीज के खान साहब ने पकड़ के सारा मामला खोल के सामने रख दिया, जो कि आज से पहले नहीं खोल सका था। बिल्कुल कोई नहीं खोल सका। ये तो एक क्रेडिट जाता है उनको। तो आप कह रहे हैं कि आप इनको असेंबली में देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी। अच्छा वैसे हमारे पास भी आप दो तीन दफा आ चुके हैं, हमें तो आपने काउंसलर तक की भी ऑफर नहीं की। नहीं, आपने ऐसे जज्बात का इजहार ही नहीं किया वासे भाई, क्योंकि सबके सामने ये बोलना बहुत। क्या सर मैं स्पीकर देखना चाहता हूँ कि तुमने ऐसे जज्बात का इजहार नहीं किया जिस तरह इजहार कर रही है। सर मैं जिन्नी मोहब्बत पीटीआई ने करना था सारे आपको असेंबली की आपने एक्सेप्ट की या नहीं? जी बिल्कुल। आप जाना चाहेंगी पंजाब असेंबली के अंदर? मैं जाना चाहूंगी। यानी कि वो सारी जो बिजनेस और एक्टिंग और छोड़ सकती, सब छोड़ देंगी मुल्क के लिए? कमाई हुई जो भी महंगाई मिटाने आया, उसके ही दौर में महंगाई हुई, कम ना हो पाया मुआशी बोहरा और ना पूरी ही तवानाई हुई। हाय हाय आ। वेलकम बैक शहाब साहब। अभी रिसेंट जो फ्लड्स के अंदर लाइफ स्टॉक का भी बहुत नुकसान हुआ, खासतौर से सिंध की साइड पे और बलोचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, पंजाब के अंदर भी इसकी डैमेज हुई है, इसकी आपको रिपरकशंस लगता है कि काफ़ी अरसे तक आएंगी? देखिए इसमें फ्लड जो है ना इंडस में निकला है ज़्यादा, जिसमें मेरा ज़िला भी हुआ है लैया, डेरा गाजी खां राजनपुर, ये तीन ज़िले और छोटा पोर्शन मियांवाली का भी हुआ है, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन ये पता था क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीली जो आ रही है इससे अब जो गर्म तरीन दिन होता है, अगर आप जून का देख लें 15 जून, तो उस दिन टम्परेचर जो था आलमोस्ट 30-32 था, जो 45-50 पे जाता है। तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से कोई पता नहीं चल रहा, इस पर हमारी हुकूमत ने बड़ा फोकस किया हुआ था। आपको याद होगा कि अमीन असलम साहब इसके एडवाइज़र थे टू प्राइम मिनिस्टर, बिलियन ट्रीज वाला जो एक दिया था एक पीटीआई ने, वो यही था कि मौसमियाती तब्दीली के लिए हमारे जंगल ख़त्म हो गए थे, हमारे दरख्त ख़त्म होने लगे थे, उजाड़ सा हो रहा था। तो इस मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए पूरी दुनिया में मौसम तब्दील हो रहा है, तो इसकी हमें बर वक्त थी, क्योंकि हमारे जो है ना इस पर ऑनेस्टली आज मैं आपको बता दूँ यहाँ कि जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे, हम वाटर को कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसे हादसात ऐसे डिज़ास्टर आते रहेंगे। क्योंकि इंडस इसको पंजाबी कहने ने कि शेर दरियाई कहने ने, नो इतना बड़ा दरिया जो है ना पूरी दुनिया में नहीं है, बिल्कुल सही है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 25-50 किलोमीटर तक है। पानी जब तक स्टोर नहीं होगा तो ऐसी, अब आपने देखा कि पूरा सिंध जो है डूब गया सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब इंडिया को देखें, इतने डैम बना लिए, हमारे छोटे छोटे दरिया हैं, ये दरिया रावी को देख लें, सुतलज को देख लें, सुतलज सूख चुका है, उस पर इतने डैम बन चुके हैं, इसी तरह जेलम चनाब। वैसे सरदार साहब कैसा लग रहा है चौहान साहब के साथ अब काम करते हुए? जी चौहान साहब के साथ वासे भाई मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, उस वक्त 2002 में वे चीफ मिनिस्टर थे तो मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम था, उस वक्त भी कोलिशन यानी कि हम इकट्ठे चलते रहे हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की वजह से मुशरफ डिस्ट्रिक्ट नहीं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, तो वो 5 साल भी इकट्ठे रहे हैं। ये अरसा भी थोड़ा मुख्तलिफ है, आप रोग काबीना में हैं उनकी। वैसे ये चौहान साहब उस दिन बता रहे थे मुझे कि बड़ी खुशकिस्मती है कि अगर फेडरल कैबिनेट में था पीपल्स पार्टी में तो आपके भाई से मेरे साथ फेडरल मिनिस्टर थे, अब प्रोविंशियल में मैं आया हूँ तो आप मेरे साथ वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं। वाह वाह, तो आपके कोई तीसरे भाई हैं? नहीं, तीसरे भाई हैं मेरे, बिल्कुल। अच्छा है। तो फिर उनको भी तैयार कर लें। बार लगता है चौहान साहब के साथ वो फिर कई मिनिस्टर होंगे किसी उसके नाम। मगर वैसे आपने बुज़ार साहब के साथ भी वो वाला दौर भी देखा है और अब आप चौधरी परवेज लाई का भी देख रहे हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन सा लग रहा है आपको, सिस्टम किसके अंडर चल रहा है? देखिए दौर वो भी ठीक था लेकिन उस वक्त मैं कैबिनेट मेंबर नहीं था, अब मैं कैबिनेट मेंबर हूँ तो मुझे जो लग रहा है कि कमांड एंड कंट्रोल जिस तरह होता है वो बेहतर है। मेबी उसके ना एक्सपीरियंस भी उनका काउंट करता है, जाहिर बात है 5 साल उनका एक बड़ा नुमाया एक्सपीरियंस है पंजाब के अंदर जो रहा है, तो आई थिंक एक वो जो इस पोजीशन को समझना और उसके चलाने के जो तरीके होते हैं वो चौधरी परवेज लाई साहब को ज़्यादा बेहतर पता है शायद। नहीं वैसे भाई सियासत जो अमल है ना ये मुसलसल सीखने का अमल है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी में एक उम्र होती है
कि 60 साल के आदमी के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, तो पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होते, ये आखिर दम तक सीखते ही रहते हैं। ये एक सीखने का अमल है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि चौधरी परवेज इलाही का काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी उन्होंने जो 2002 से 8 तक चलाया है पंजाब को, बड़े अच्छे तरीके से चलाया। अभी सर ने कहा कि सियासतदान की रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि सर होनी चाहिए कि एक एज तक आप इलेक्शन लड़ सके। अच्छा, बस हमें भी लगता है सिंगिंग जो है वो 40 तक ही होनी चाहिए। होती भी 40 तक ही है। आपकी सिंगिंग सुन के लगता है सिंगिंग होनी नहीं चाहिए। मतलब ये क्या आपने बात की है? वो होनी चाहिए सर। अब क्यों होनी चाहिए? ये समझ रहा कि मैं दुबई हूँ, होके तो समझदार हो गया। दुबई गए थे जी? क्या करने? बाकी होते चाड़े। आपको उन्होंने घुसने कैसे दिया? एयरपोर्ट के जरिए। अच्छा, ये क्या होते? अच्छे शोज गए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। मसन होते क्या फंक्शन थे तो डर गया। उन्होंने पुछोते ने पूछा किधर आया, कि नहीं मैं खजूरा लेना इसका। कोई आपकी बकेट लिस्ट में एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहती हो? सजल अली। इसके अलावा कोई एक्टर वगैरह? मायरा खान। बीइंग एन एक्ट्रेस क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो आपको कुछ भी आप कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट में आपको होते हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन इसमें यह है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। आपने इतने ज्यादा ड्रामे किए, आपका बेस्ट ड्रामा कौन सा है? मुट्ठी भर चाहत। उसी चाहत का तलबगार हूँ मैं। तो फिर है ही, मैं तो इनका फैन हूँ ना। आपने इतने ड्रामास किए हैं, अभी मॉडलिंग ये वो सब कुछ अब माशाल्लाह कर रही हैं, तो जिंदगी का एक अहम फैसला जी। मेरी तरफ देख के नजरों में नजरें मिला के बताइएगा वो कब करेंगी आप? जब कोई मेरा आइडियल मुझे मिल जाएगा। आइडियल तो मिला है, मैं आज ही नवी शर्ट पा गया। मेरा आइडियल, मुझे कोई लुक्स पे मैं नहीं जाती। तो आइडियल कैसा होना चाहिए? मैं चाहती हूं कि बस उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा और हंसाता रहे। तो मैं कड़ी ट्रेडी दी गल्ला कर रहे हैं। लेकिन यहां तो सभी ऐसे बैठे हैं। ये तो सभी ऐसे हैं, लेकिन अच्छा एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बस मेरे लिए काफी है। तो मैं इसलिए तो फिर बेहतर हूं। क्वालिटी तो यहां सबके पास ही। इजा जो इनके पास है वो हमारे पास नहीं है। इनको तो इकबाल टाउन में कपिल शर्मा कहते हैं। तो आपके इस किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर चाह रही हैं? हाँ, अच्छा है ये भी। अच्छा है ये भी। हाँ। तो वैसे पैसे कितने होने चाहिए उस इंसान के पास? पैसे कोई मैटर नहीं करते। पैसे मैं अपने ही बहुत कमा सकती हूँ माशाल्लाह। तो पैसे मैटर नहीं करते, लुक्स भी मैटर नहीं करती? नहीं, अच्छे दिल का इंसान होना चाहिए। कैसर साहब बहुत गरीबों का ख्याल रखते, यकीन करो। जो बेसहारा ने उन्होंने लख लख रुपया दे देंगे। यार देखिए उन्होंने आपको कितनी सिंपल कर दिया। आज आप हमेशा पूछते रहते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, ना शक्ल चाहिए, ना अकल चाहिए, ना पैसे चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता उनको। बस सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। मेनू लतीफ है याद आप, ठीक है। यहाँ से तो कोई मैं चूज नहीं कर सकती। यहाँ से कोई नहीं? हाँ, यहाँ तो मैं आप सबकी बहुत फैन हूँ। जिनके फैन होते हैं उनसे शादी नहीं हो सकती। आप सारे जो लोग हैं ना, हाँ जी, वो फोकस कर लिया है, उनको समझ नहीं आई कोई बात। तो अकरम साहब वो कह रही ने कि मैनू समझ नहीं आई कि कैसर गल की करना चाहता है। सरदार साहब अल्लाह तड़े जिंदगी करे, तुसी समझे जे इन्हां दी जगह तुसी होंदे मेरी गल बन जानी सी। क्या बात? अच्छा तो समझिए ना बात, सरदार साहब को बताएं कि क्या समझी आप बात। अभी शादी तो नहीं करनी मैंने, बस बात ही खत्म। आपको वेट करना पड़ेगा। मैं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कुछ। उसके बाद भी कंफर्म नहीं, कोई खास वजह उसकी? क्या आप क्योंकि इनकी फैन हैं? हाँ, लेकिन इससे अच्छा भी कोई कपिल शर्मा मिल सकता है जिंदगी में। अच्छा, इनसे अच्छे एक और हैं साहब, नसीम विकी। मैं नहीं जानता। आपने कोई फिल्म देखी है इन लोगों की? नहीं देखी आपने? ते फैन तुझे खरादियां दे कम दे। लेकिन मैंने उस वक्त देखी थी वो, तो जब नदीम साहब की और वो नदीम साहब। अच्छा, उसके बाद नहीं, 20 साल पहले आपने आखिरी कौन सी देखी? मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि उसके बाद आपने कुछ नहीं देखा। इंग्लिश मूवी मैंने देखी थी, ब्रेव हार्ट। मेल गिब्सन की, बड़ी जबरदस्त स्कॉटिश एक मूवी थी।
अच्छा, उसके बाद आपने फिल्में बंद कर दी, आपने कहा भाई आखिरी फिल्म थी इस पे बात जो कि हो सकती है क्योंकि वो बड़ी कमाल फिल्म थी जी, बहुत कमाल फिल्म। उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता, रात को 10-11 बज जाते। उसके बाद आप खुद ब्रेवार्ड बन के सियासत की दुनिया में निकल गए। सरदार साहब जिस बाती होंदे फिल्म वेदे फिल्म च ना विलन जुल्म कर रहे थे, फिल्म बंद करके विलन दे घर को बदला लेने चले गए। मगर वो ब्रेवार्ड वैसे है एक ऐसी फिल्म जिसके बाद आपको बहुत आपके जज्बात जो है वो उभरते हैं और बड़ा वो, और आजकल भी मेरे ख्याल से आजकल के हिसाब से ज्यादा मौजूद रहेगी आप लोगों के साथ। ब्रेव हार्ट वाला सीन ही हुआ इस वक्त वैसे जी, बिल्कुल कि अब तो सियासत भी जो है वो ब्रेव हार्टेड का ही काम है। वैसे इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं? सियासत के अलावा पढ़ना था, किताबें पढ़ता था, अब वो किताबें पढ़ना भी ओए ओए कम और हो गई। सरदार साहब कौन को मुसन्निफ आपका फेवरेट कोई रहा हो जिसको आप ज्यादा पढ़ते हो? मैंने कुदरतुल्लाह शाह को पढ़ा है, हिस्ट्री के मुतालिक नसीम इजाजी साहब को पढ़ा है। अच्छा, किताबें मेरी मिसेस बहुत लाती हैं लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं। मिस करते हैं रीडिंग को कभी कभी, यार कुछ थोड़ा टाइम होता तो मैं भी पढ़ लेता किताब। ये सरकारी काम दफ्तरी काम जो होते हैं समरीज निकालने पड़ते हैं, पढ़ पढ़ के नोटिफिकेशन और समरियां पढ़ पढ़ के अब कहां किताब का। लेकिन बाजी उन किताबा नहीं लेंदे क्यों? ये पढ़ते नहीं सी, पाड़ के उस पकौड़े पवा लेंदे। क्योंकि मेरी जिंदगी एक तमाशा है। अच्छा, फरुखाबाद गया सा शेखपुरा देखो किसके आई जी साहब दे नाल। ओ आई जी साहब जा रहे हैं, थोड़ा बिरा जा रहे। अच्छा जी सर, उसे जाके फिर मैं पूछे मैं सर खैर ते है इतो तक लैते आयो तो दसिया तो तुम है नी भी किस काम आए हैं। बॉस कहते ने चाइना सानू ट्रेनिंग देने आ रहा है, वो कहते ने सानू मॉडर्न ते अपडेट कोर्सिस करान आ रहे ने, आ जे प्रोटेस्ट नहीं होंगे आज जलसे जुलूस होंगे ने वो आम तौर पर पब्लिक जी वायलेंट हो जाती है, जलाओ गिराओ का खदशा होता है, उन्होंने फिर पीसफुल मैनर कि तब्दील करना। देखो ना कैसी जबरदस्त गल है, मैंने 5-6 मिनट लगे इस गल समझने वास्ते। I can understand. लेकिन थोड़ा बिरा बड़ा तेज आई करके मैं क्या सर समझ आ गई। मैं क्या सर तुसी MOU ते कर लिया चाइना दे नाल, लेकिन तुसी चाइनीज पुलिस नू जानदे हो? मैनू कहंदे ने आ थोड़ा बहुत जानता हूं मैं। मैं क्या सर तुसी पंजाब पुलिस नू जानदे हो? कहंदे ने जानदा ना हुंदा ते आई जी हुंदा। लेकिन मैं क्या सर चाइना दी पुलिस नू बाकायदा 100% सानू जानना चाहिदा। मैनू कहंदे ने जा जा के फिर चेक करके आ। ओके गया फिर पी ठा जा के लगा इली फोंग एयरपोर्ट दे उत्ते। ना कोई सरफ मारे है, ना उन्हें कोई गेयर लाया, मैनू समझ नहीं आई भी छुआवां ते कोई है सी। एवं तो नहीं ना पेट्रोल बचाउंदे, बड़ी सियाणी कौम हैगी। मेरे सामने ते बिलकुल चुप सन चाइनीज। मैं कहा सर तुसी ट्रेनिंग ते आ रहे हो, तुसी पाकिस्तानी पब्लिक नू समझदे हो? कहंदे ने नो पांग छिंग पम पम पोयो। मैनू समझ आ गई उन्होंने की कहा ने। मैं कहा अच्छा ये दसो कि मैं नाके ते खलोता हुआ, अचानक एक गड्डी आवे, मैं उसके बोलो कागजात लवा और सारे वेख के उन्होंने कहा देखो जी कागजात तो आपके पूरे हैं, लेकिन मैं भी तो सुबह 8 बजे से धूप में खड़ा हूं, हमारा भी कोई एहसास होना चाहिए, तो ये की मतलब है? चुप सोन गड़ौन बड़ौन। अच्छा कोई जवाब ही नहीं आया। ओके मैं कहा अच्छा ये दसो भाई अचानक जो मैं नाके ते खलोता वे ते कोई बंदा आवे तो उन्होंने मैं कहा देखे यहाँ तो कोई पानी का भी इंतजाम नहीं है और चाय पानी के बगैर जिंदगी भी फजूल है, आप जा तो रहे हैं तो कुछ चाय पानी क्या बंदोबस्त तो होना चाहिए, इसका की मतलब है? सोन गड़ोन बड़ोन। कोई जवाब ही नहीं आया। मैं क्या अच्छा ये दसो भाई मैं नाके ते खलोता हुआ ते मैं उन्होंने कहा ईद तो 8 दिन पहले, ईद मुबारक, कैसे हैं आप, सफर आपका अच्छा गुजरे, की मतलब है सोन गड़ोन बड़ोन? कोई जवाब ही नहीं उन्होंने आया। मैं फिर आके आई जी साहब ने दसिया, मैं क्या सर जी MOU कैंसल कर दियो क्योंकि वो ना होवे, वो सानू ट्रेनिंग देन होण ते साडे को लेके टुर जाण।
बहुत जी सर। तो उस तो बाद उन्होंने कहा दो मिनट ठहर जा, उन्होंने टीम की थी सैकटरी ने बुलाया, उन्होंने अंग्रेजी च मैनू लैटर लिख के दिता है कुछ। अच्छा हाँ वो हूँ मैं नहीं पता भी की है लेकिन अच्छा जी नहीं एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगी नहीं नहीं उससे ज्यादा होगा। अच्छा जी वो मैं तो फिर जज्बात कह बैठा हाँ। लेकिन सानू अपने मुल्क के बारे ओ माशाल्लाह कुदरतुल्लाह साहब कुदरतुल्लाह शहाब साहब बहुत बड़े दानिशवर थे। नहीं अपना शहाब साकब साहब नहीं पहुंच गए कि नहीं बिल्कुल इन्हें कहते हैं सियाना बंदा एकदम पहुंचे हैं ऐसे टाप टाप जा रहे ने पूछो क्यों क्यों म्याऊं मैं हुकूमत जी मैं नहीं चलाई हुकूमत जी की मर्जी होगी पुलिस चौधरी परवेज लाई का और नंबर वन पे किसका ये तुमने बताना नहीं है। आज भी उन्होंने मैं सलाम अलैकुम सर मैंने कहा माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो सर तुसी जब आओगे ना जी अपना जेल फुल खिदमत करांगा दौरा करने की बात सर मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिथे फयाज अल हसन चौहान साहब पहले ड्यूटी करते सन मिनिस्टर जेल यस भाईजान उथे लगन गए और बड़े सोने लगन गए मिनिस्ट्रियां बदल दी रही ने। अच्छा हाँ जिस तरह सिचुएशन बदल दी रही ने हकूमत बदल दी रही ने तबीयत बदल दी रही ने इस तरह सर जी मिनिस्ट्रियां भी बदल दी रही बिल्कुल सही कह रहे हो मैं तुम जेल आना पहला नाश्ता मेरे वालों वेलकम बैक जी रुखमा खबर क्या है जी मेरी आज की खबर एक नई साइंटिफिक रिसर्च के बारे में है जिसके मुताबिक अगर आप कॉफी या कोई भी कैफीन वाला ड्रिंक पीकर शॉपिंग पर जाएंगे तो आपका शॉपिंग पे ज्यादा खर्चा होगा। इसकी वजह यह है कि कैफीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको कंज्यूम करने से आप ज्यादा एक्टिव और एक्साइटेड महसूस करते हैं। लिहाजा तमाम मर्द हजरात होशियार रहें और इस बात का ख्याल रखें कि आपकी बेगमात कॉफी पीकर शॉपिंग पर ना जाएं। इसका ताल्लुक एक्चुअली कैफीन और उसकी वजह से अब ये आई डोंट नो किस हद तक ये रिसर्च सच है कि नहीं कि आप अगर कॉफी पी के शॉपिंग करें तो ज्यादा करते हैं। जी शॉपिंग पे चले थे ठाकर साहब कही जान भाभी कॉफी मेरे लो लेकिन सच्ची गल है सर कॉफी आई डोंट नो इजा आपको है शॉपिंग का शौक बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा भी हां मैं भी ये सोच रही थी कि कॉफी तो मैं पीती हूं लेकिन मैं शॉपिंग के बाद पीती हूं फिर भी बहुत ज्यादा शौक अच्छा बाद में पीती हैं और अगर आप सोचे अगर पी के शॉपिंग करें तो क्या करेंगे जिन्हें कॉफी की दुकान पाई उन्होंने हमें गल फुलाई कोई ऐसी गल अच्छा अच्छा हमारा एक सेगमेंट है आवाम का सवाल जिसमें हम आवाम को मौका देते हैं अगर वो कोई सवाल पूछना चाहे आप लोगों से तो कौन पहले पूछना चाहेगा जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा सवाल सरदार साहब से है कि ये जो दूध में मिलावट से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं और अब आजकल सुना जा रहा है कि मार्केट में केमिकल मिला दूध भी काफ़ी हद तक बेचा जा रहा है तो उसके मुतालिक सर आपका महकमा क्या कर रहा है ज़रा तफसील से हमें थोड़ा सा बताएं। देखें जी इसमें आपने सवाल मेरे डिपार्टमेंट का नहीं किया सवाल आपने किया है मिलावट का पहले मैं अपने डिपार्टमेंट के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो जानवर में बीमारियां आती हैं एज सच इससे कोई वायरस जो है ना वो इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होता वो दूध के ज़रिए गोश्त के ज़रिए अभी तक यानी कि ये 100 साल से तो कोई कोड नहीं हुआ। आपका सवाल था ये पंजाब फूड अथॉरिटी के ये फूड अथॉरिटी का सब्जेक्ट है हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी का तो इसमें चैनल के हवाले से यही बात करूंगा ये मिलावट करने वाले भी हम और आप लोग ही हैं ना कोई और तो है नहीं उनको सोचना चाहिए और ये चेक एंड बैलेंस पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त बहुत एक्टिव हुई हुई है हमारी जब हमारी दोबारा गवर्नमेंट आई है तो बहुत एक्टिव किया है नए चेयरमैन लगे हैं अब
तो बड़े एक्टिव हुए हुए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज मलाइका। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है, आपका जो ड्रामा हिट फ्रॉड जा रहा है उसके रोल के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा कैरेक्टर है, करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, पॉजिटिव है। माय नेम इज मिसेस शहजाद। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, इन फ्यूचर आप पीटीआई को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? फ्यूचर में पीटीआई को किस पोजीशन में देखते हैं आप? उम्मीद है और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में इमरान खान साहब फिर दोबारा वजीर आजम बने, इंशाल्लाह। इमरान खान साहब जी प्लीज। मेरा सवाल मैम आपसे है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैम, आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रोल्स प्ले करती हैं, इन आपकी रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रियल लाइफ में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप थोड़ा टाइम के लिए अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं। अगर आप एक टाइम में दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप कैरेक्टर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मिक्स हो जाती हैं। सर 2020 सरदार साहब खेलते हैं, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उन ऑप्शन में से जवाब चूज करना है, कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो पहले स्टार्ट किससे करें? शाहब साहब से कर लें। चलिए जी शाहब साहब, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं और उसके अंदर तीन लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आगे हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान, जनाब मियां असलम इकबाल और जनाब राजा बिशारत। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? मियां असलम इकबाल। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? राजा बिशारत साहब। और किसका फ्लोर आ गया है? फयाजुल हसन चौहान साहब का। चौहान साहब का, ठीक है। चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, दो सीटें हैं, एक तो आपकी अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप साथ चांद पर लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद सईद और जनाब फवाद चौधरी। मेरा ख्याल मुराद सईद को छोड़ दूंगा मैं। मुराद सईद साहब चांद पर, ठीक है। उत्थे नए वाले पहुंच भी नहीं सकते जी। सर ये बता, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और रुखमा मरियम। रुखमा को लेकर जाओ। रुखमा को ले जाएंगे, ठीक है। मठियाई बंडो पहली बार सिलेक्ट हो जाए। सर डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और चौधरी मोनस इलाही। जनरल नॉलेज पे चले जाएंगे। जनरल नॉलेज में चले गए। बड़ा आसान आपसे सरदार साहब पूछ रहा हूँ, वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ च्युइंगम यानी कि बबल गम खाने पे पाबंदी है? बच्चियां मुल्क ही होगा। आप वापस जा सकते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे चाहे तो। कोई और सवाल नहीं हो सकता? कोई और सवाल कर लो। चलें इसके अलावा एक और सवाल कर लेते हैं। पाकिस्तान में शेरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? रायवंड। नहीं यार। नहीं सर, सर वापस ओरिजिनल सवाल पे चलने जाएंगे आप? और सवाल अभी भी इधर ही, और सवाल ओरिजिनल में नहीं जा रहे वापस। एक और, ठीक है जी। वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जो नोबेल प्राइज दुनिया में तकसीम करवाता है? यूरोपियन मुल्क है, आपको बता दूं मैं। इंग्लैंड ही होगा। इंग्लैंड? इंग्लैंड नहीं सर, इंग्लैंड नहीं है। स्पेन? स्पेन। फ्रांस? सॉरी नहीं नहीं वो भी नहीं। सर ये तो आपने पूरा यूरोप कवर कर देना इस तरह। खैर आपने ये सवाल लिया, आप वापस तो नहीं जाना चाहेंगे? लाइफ जैकेट मेडल आपका हुआ सर। चलिए ठीक है, जिजा आपकी बारी है। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। जनरल नॉलेज पे भी नहीं जा सकती, इतना मुश्किल कुछ पूछ रहे हैं आप। मैं भी उनको भेज रहे हैं, वो शायद नाम लेना चाहती हैं कोई। चलिए परवेज खटक। परवेज खटक साहब होंगे वो, ठीक है। ये बताइए आप भी जा रही हैं चांद पर स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब होंगे वो, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और मौलाना फजल रहमान। शेख रशीद। शेख रशीद साहब होंगे वो, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब फरहान सईद और जनाब यासिर हुसैन। पहला कौन था? उस्मान बुज़दार। पीटीआई से हैं? आपको नहीं अंदाजा? मुझे इनका नहीं याद आ रहा। हाँ पीटीआई से ही। हाँ ठीक है उनके। ओए होए उस्मान बुज़दार साहब, पता नहीं चला लेकिन फिर भी ले गए हैं लाइफ जैकेट। ये कमाल है।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच, आपका वीजा बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।